पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। आज के अनुकीर्तन में हम परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्ट मिष्ट बाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मुखारविंद से वो दिव्य हरि कथा सुनने जा रहे हैं, वो दिव्य अनुभूति सुनने जा रहे हैं, जिसमें महाराज श्री हमें ये बताना चाहते हैं कि जो ये भगवत ज्ञान है, परमात्म तत्व का ज्ञान है, ये जो भगवत अनुभूति है, जो भगवान का दर्शन है, ये अपनी चेष्टा से, अपनी कोशिशों से, अपनी तपस्या से, अपनी योग्यता से, अपनी विद्वता से, अपनी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो एक रहस्य है, ये जो एक सूत्र है, भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में दिया, अथवा नचिकेता को ये ज्ञान मिला था यमराज जी से, उस चर्चा को गुरु महाराज जी ने आज के विषय में लिया। ये सुंदर विषय, ये रहस्यमय विषय, ये हमारे लिए, हम जो भगवत भक्ति की साधना करना चाहते हैं, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। गुरु महाराज जी के मुखारविंद से गुरु जी की दिव्य हरि कथा के रूप में इस रहस्य को सुने। जब भगवान का हम लोग शरणागत होते हैं, तो शरणागत का हृदय में भगवान का आविर्भाव होता है, तो तत्व को मालूम कर सकते। तो सुना आपने, गुरु महाराज जी ने कहा कि जब हम भगवान के चरणों में अपने आप को प्रपन्न करते हैं, जब कोई जीव भगवान के चरणों में शरणागत होता है, उस शरणागत भक्त के हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। कठोपनिषद से गुरु महाराज जी ने बताया, नायमात्मा प्रवचि न लभ्य न मे धया न बहुना श्रुते न। गुरु महाराज जी ने कहा, देखो उपनिषद में साफ शब्दों में कहा है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करता हो, अच्छे अच्छे लेक्चर देता हो, कहां कहां से एविडेंस ला ला के सुनाता हो, मतलब सुनने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाए, उससे भगवान नहीं मिलेगी, वाह वाह ही मिल सकती। बहुना श्रुते न, किसी का इतना अध्यात्म ज्ञान है, उसने गीता पढ़ ली, गुरु महाराज जी कहते भागवत पढ़ ली, वेदांत पढ़ ली, सारे धर्म शास्त्र पढ़ लिए, सारे धर्म शास्त्रों को पढ़ने से या सारे धर्म शास्त्रों को कंठस्थ करने से भगवत अनुभूति नहीं हो सकती, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। अच्छा, गुरु महाराज जी का न मेधया, मतलब किसी का दिमाग इतना तेज है कि बड़े बड़े दिमागदार को भी घुमा देता है, वो उनको भी चक्कर में डाल देता है, बहुत दिमाग होने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यमेवेर से विरुणते, देखो कितना सुंदर बात है। गुरु महाराज जी ने जो 12 महाजन हैं, उनमें से एक महाजन जो यमराज जी हैं, उनकी बात बताई कि वो महाजन कह रहे हैं, वो महान भक्त कह रहे हैं, भगवान जिसको अपना मानते हैं, भगवान जिसके हृदय में अपना तत्व प्रकाशित करना चाहेंगे, बस उसको ही भगवान का दर्शन भगवत अनुभूति होगी। एग्जाम्पल के रूप में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से गुरु महाराज जी बताया कि जो विचित्र दुनिया हम देख रहे हैं, और इसमें विचित्र विचित्र चीजें जो हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते, सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते, ये सारी दुनिया की जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, वो ब्रह्मा जी फेल हो गए। वे ब्रह्मा जी जिन्होंने हम सारे दुनिया के प्राणियों को और सारी दुनिया को बनाया, गुरु महाराज जी कहते हैं, वे ब्रह्मा जी अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं जान पाए, तो जिनको ब्रह्मा जी ने बनाया वो कैसे जान पाए। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। नायमात्मा प्रवचन भाषण से नहीं मिलता है, और बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल जायंट है, विद्या से भी नहीं मिल सकता। सारा
गीता भागवत वेदांत सब याद कर लिया। मैं जिनके हृदय में अपना स्वरूप को प्रकाश करता हूं वही जान सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते जो हमको प्रसिद्ध। जब वहां पर आपको ब्रजवासी सब कहते नंद ग्वाल कहने का भगवान है, ब्रह्मा जी कहते कैसे बना भगवान तो हम तो चक्कर बदा को धारी कितना भविष्य है, ये तो ग्वाला का लेखा है, हमारा सिस्टर प्राणी नंद ग्वाला का लेखा भगवान, उसका साथी भी गरीब है ग्वाल बाल है, बचपन में बछड़ा जमाते थोड़ा बड़ा होने से गाय गुजरा, हीरा मणि मालिक को कुछ भी नहीं, कोई गाय को चराते हैं और जंगल का फूल लेके बनवाला है हीरा मणि मालिक को ले, और एक मोर है जीरा का पुंछ लगा, कैसे भगवान उसको हम नहीं मानते। लेकिन जब अघाश को निधन किया बहुत बड़ा अघाश और माए पुतना को मारा कृष्ण और प्रकाश को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे बहन को मारा, सारा ब्रज का जितना बच्चा है सब खा रहा, बच्चा होते माँ बाप का प्यारा तो सारा गोप गोपी होते रहते मर जाएगा। गुरु महाराज जी ने ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया क्योंकि ब्रह्मा जी की एक ऐसी स्थिति है जिनको सबसे समझदार कहा जाता है, जिनके पास हमेशा वेदों का ज्ञान होता है और सृष्टि के पहले जीव हैं, और ये एक ऐसी पोस्ट है जिस पर हर एक को हर एक प्राणी को नहीं बैठाया जाता। तो ये इतनी ऊंची पोस्ट पर जो बैठे हैं ब्रह्मा जी, उनके बारे में गुरु महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने कहा ये नंद ग्वाले का लड़का कैसे भगवान हो सकता है। आपने सुना ना कि ब्रह्मा जी अपने दिमाग से सोचते हैं कि सारी दुनिया मैंने बनाई और उस दुनिया में ये जो ये नंद ग्वाला है, इस नंद ग्वाले को तो मैंने बनाया, तो ये नंद ग्वाले को जब मैंने बनाया तो इसका लड़का भगवान कैसे हो सकता है। और जब फिर इसके लड़के को देखो भगवान कहते, भगवान को तो उनके मन में है कि भगवान को तो मैं जानता हूँ, वे चतुर्भुज होते हैं, कितनी सुंदर उनका ड्रेसअप होता है, कितना उनका सुंदर मुकुट होता है और कितना उनका तेज होता है, कितना कुछ ब्रह्मा जी सोचते हैं भगवान नारायण के बारे में, ये भगवान कैसे हो सकता है, गरीब सा है, वो जंगल में जो गुरु महाराज जी कहते हैं जंगल में जो फूल है उन फूलों की वो लंबी सी माला बना लेता है, उसको पहन लेता है, और इसके जो साथी हैं जो बछड़े चराने वाले वो भी ऐसे, उनका भी ड्रेसअप कोई खास नहीं है, फिर भगवान नारायण का तो कितना सुंदर मुकुट है, ये इसके बाद तो मुकुट है नहीं, वो एक पक्षी है मोर, उसका एक पंख अपने वो सिर में जो बाल हैं उनके बीच में घुसाया हुआ, ये भगवान कैसे हो सकता है। हाँ गुरु महाराज जी कहते जब भगवान ने अघासुर को मारा तब ब्रह्मा जी का माथा ठनका कि अघासुर तो इतना ताकतवर, इसको तो कोई मार नहीं सकता था, इसने पूतना को बकासुर को अघासुर को ऐसे खेली खेल में मार दिया, क्योंकि अघासुर तो बहुत गुस्से में आया था कि इसने मेरे भाई बकासुर को मार दिया इस नंद ग्वाले के लड़के ने, मैं सारे ब्रजवासी बालकों को खा जाऊंगा। वो तो बड़ी सी गुफा जैसे अपना मुंह फाड़ के वहां पर अजगर था, वो अजगर के रूप में ऐसे कि मैं सारे बच्चों को निगल जाऊंगा, क्योंकि माँ बाप के बच्चे प्यारे होते हैं, जब सारे बच्चों को निकल जाऊंगा तो इनके जो माँ बाप हैं ऐसे चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, इस तरह से मैं बदला लूंगा अपने भाई का। लेकिन अघासुर को जब भगवान कृष्ण ने मार दिया तब ब्रह्मा जी सोचने को मजबूर हुए कि ये कोई खास है, तब ब्रह्मा जी स्वयं आए। आगे देखो ब्रह्मा जी जब आए गुरु महाराज जी उसका कितना सुंदर चित्रण करते हैं गुरु जी के मुखार से। ब्रह्मा जी
देखने के लिए। देखा वही सा बाल बाल सा क्या कर रहा है, कन्हैया ये बहुत अच्छा है तुम खा, ये भगवान का संबोधन है, भगवान का बहुत मर्यादा से बोलना चाहिए, आप शब्द प्रयोग कर तू खा, ये कोई एक ग्वाल बाल है, कोई भगवान नहीं हो सकता। और हर एक का झूठा गा रहा है, ये कहते हैं कन्हैया तू बैठ के खा, हम लोग बच्चा को ले आते हैं, ये देर होगा। नहीं 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 मैं अकेला ले आ सकता, तुम लोग बैठ के खाओ। कृष्ण क्या ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी क्या किया, चोरी करके ले गया सारा बच्चा। कृष्ण ढूंढने लगा, बहुत आदमी को पूछने लगे हमारा बच्चा कहाँ गया, देखा नहीं, तो हम लोग कैसे घर में जाएंगे, कैसे घर में जाएंगे, बच्चा को नहीं मिले, हम देखा नहीं, हम कैसे बोलेंगे कहाँ है। ब्रह्मा जी चिंता किया, ये सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, मैं ले गया इनका मान, मेरा भगवान सर्वशक्तिमान है, ले जाने से जबरदस्ती दिया, सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, भगवान रिजेक्ट। गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद की उस लीला को कितने सुंदर रूप से चित्रण किया कि ब्रह्मा जी जब आए तो वहाँ ब्रज में क्या हो रहा है, एक झील के किनारे, एक मतलब सरोवर के किनारे भगवान कृष्ण सारे सखाओं के साथ बैठे हुए भोजन कर रहे हैं, और सखा लोग उनके पास जो जो खाने के लिए सब अपने अपने घर से खाना लाए हुए, अब जो खा रहे हैं उनको जो अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं तू भी खा, मेरी मैया ने बना के दे तू भी खा, दूसरा मतलब मेरी मैया ने ये बना के दे ली थी बहुत अच्छा ले तू भी खा। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये कैसे भगवान हो सकता है, एक तो इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तू शब्द का प्रयोग कर रहे। फिर गुरु महाराज जी ने कहा देखो उस सारे जो सकल लोग खा रहे वो उनके पास जा जाके उनके जूठन खा रहे, ये कैसे भगवान हो सकता है, रिजेक्ट कर दिया। बाएं हाथ पे उन्होंने दही और चावल रखा, वो खा रहे, कहते इसको तो वैदिक सभ्यता भी नहीं है कि खड़े होके चलते हुए और बाएं हाथ में दही चावल लेके खा रहा है, मतलब दिमाग से उतर गया, वो दिल से उतर गया कि ये भगवान हो ही नहीं सकता है। गुरु महाराज जी ने कहा जब सखा लोग ये भोजन कर रहे हैं और कन्हैया को करा रहे हैं, तभी एक सखा की निगाह गई कि वो बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे, तो उसने दूसरे सखाओं को बोला कि उस बछड़े दिखाई दे रहे, तो सब कहते कन्हैया ऐसे कर तू यहाँ पर बैठ, हम जरा बछड़ों को ले आते हैं क्योंकि अब थोड़ी देर में शाम ज़्यादा हो जाएगी, फिर वापस भी तो जाना हमने। तो कन्हैया कहते तुम सारे के सारे क्यों जाओगे, मैं जाता हूँ। और गुरु महाराज जी का कि वो भगवान कृष्ण बछड़े लेने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने क्या किया सारे बछड़ों को अपनी माया से मोहित करके सबको उठा के ले जाकर दूर सुमेरु पर्वत की गुफा में रख दिया। ब्रह्मा जी जब वहां पर गए, सॉरी इसको कैसे काट देंगे आप, गए तो कृष्ण जी थे तो गुरु महाराज जी ने कहा कि भगवान कृष्ण जब वो बछड़े लेने के लिए गए तो वहां पे बछड़े ही नहीं मिले, ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे बछड़े ही नहीं मिले, तो आसपास जो लोग मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण उनको पूछा हमारे यहाँ पर बछड़े चल रहे थे आपने देखे, कहते हमने तो देखे नहीं, और दूसरों को पूछा आपने बछड़े देखे, कहते हमने तो देखे नहीं, मायूस से हो गए भगवान कृष्ण कि बछड़े ही नहीं मिल रहे। अच्छा चलो मैं फिर सब सखाओं को बताता हूँ, फिर सारे सखा मिलके ढूंढते। तो गुरु महाराज जी कहते
ब्रह्मा जी मन मन में सोच रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है? भगवान तो सर्वज्ञ होते, भगवान तो सर्वंतर्यामी होते, इसको यही नहीं पता कि इसके बछड़े कहाँ गए, बड़ा भगवान बनता है। मतलब पहले दिमाग से उतर गए थे भगवान नहीं, आप तो ये देख लिया सर्वज्ञ नहीं है। अच्छा, इधर जब भगवान कृष्ण आए सखाओं को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई बछड़े नहीं मिल रहे हैं, इसका भी बड़ा सुंदर चित्रण गुरु महाराज जी ने किया। गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुनाए। फिर जब कृष्ण मिला जी बछड़ा को, वहां ग्वाल बालों के पास आया, ग्वाल बालों को चुरी करके ले गया सुमेरु पार के गुफा में, ग्वाल बालों को ढूंढने लगा कृष्ण। ग्वाल बाल को नहीं देखा, कृष्ण रोने लगा, सर्वनाश हो गया, बछड़ा चला गया, ग्वाल बाल चला गया। कितना आदमी को पूछ रहा है, कितना दूर दूर में जा रहा है जमुना का किनारा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, तुम भगवानों के यहाँ बैठ गया, कौन बछड़ा ले गया कौन ग्वाल बाल के तुम नहीं जानते, यहाँ रहो। ब्रह्मा जी चला गया। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को जो ब्रह्म विमोहन लीला सुनाई, उसी का ही एक तरह से अनुकीर्तन गुरु महाराज जी कर रहे हैं, जिसका अनुकीर्तन हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण सखाओं को इन्फॉर्म करने के लिए गए कि भाई बछड़े नहीं मिल रहे, चलो हम सब ढूंढ के मिलते, तो वहाँ पर देखा सखा लोग भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जी उनको भी उठा के ले गए। जब श्री कृष्ण उधर बछड़े ढूंढ रहे थे, इधर ग्वाल वालों को उठा के ले, देखो कोई भी ग्वाल वाल नहीं है। अब श्री कृष्ण तो रुआंसे से हो गए। गुरु महाराज जी कहते श्री कृष्ण रोने लग गए, छोटे बालक है, मेरे बछड़े भी नहीं है, मेरे ग्वाल वाल भी नहीं है, मैं कैसे घर जाऊँ? तो जिसको पूछते हैं आपने हमारे यहाँ पर सखा लोग थे, तो कहते हमने तो देखे नहीं। वो तो दूसरे को पूछे भाई आपने यहाँ पर हमारे दोस्त लोग बैठे थे, मित्र लोग बैठे थे, सखा लोग बैठे थे, कहते हमने देखे नहीं। वो गुरु महाराज जी कहते कृष्ण जी तो रोने जैसे हो गए, मैं अब कैसे घर जाऊंगा, बस मेरे सखा लोग भी नहीं है, मेरे बछड़े भी नहीं है। ब्रह्मा जी मुस्कराने लगे, भगवान बनता है, मालूम ही नहीं तेरे बछड़े कहाँ हैं, मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा तुम्हारे सारे सखाओं को लेकर चले गए, रहे यहाँ पर रोता रहे। और ब्रह्मा जी चले गए। जब ब्रह्मा जी चले गए तो भगवान कृष्ण ने क्या लीला करी, गुरु महाराज जी के पुकार में से चला गया। जब मैं चला गया कृष्ण भी मुस्कराया, मुस्कुरा के जितना बछड़ा था इतना बछड़ा हो गया, जितना ग्वाल बाल इतना ग्वाल बाल। घर में आया कि कोई नहीं समझा अपना बच्चा खो गया, बच्चा का सूरत जैसा है, और तुम अकर तुम अन्न तक जैसा कंठ का आवाज ऐसा है, ऐसा कूद के गिरना, ऐसा चलना फिरना, सब एक शरीर में कोई चिन्ह ना है वो भी है, लेकिन एक फर्क है। देखा दूसरा दिन उनका आशुकुल और उनका आशुकुल भगवान में था। उस दिन जैसे भगवान में ऐसे ग्वाल बाल गाय का भी उनको भी इच्छा थी, कृष्ण हमारा दूध से कृष्ण का दही मक्खन बनता है, कि कृष्ण खुद बछड़ा होके आके स्थान उठान में मुख देखे दूध दिए गया, कृष्ण बछड़ा होके उनका दूध लगा, वो लोग आंख उसे आंसू का धारा लगे। इस पर गायों की इच्छा पूर्ति किया, गोपियों की इच्छा पूर्ति की। पहले ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे, जब ब्रह्मा जी चले गए तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी के बारे में सोच रहे कि वो कैसे सोच रहे थे कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं तो रो रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहे। भगवान कृष्ण ने क्या किया, जितने ग्वाल वाल थे अपने शरीर से उतने ग्वाल वाल प्रकट कर दिए, हूबहू जिनकी जैसी कद काठी थी, जैसी उनकी ड्रेस थी। गुरु महाराज तो यहाँ तक बताया कि अगर किसी के कोई तिल कहाँ पर वो तिल भी था, और वो सारी सोच, मतलब शकल तो वो है, अकल भी वो है, अकल नहीं हुई तो घर में अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाएगा। जैसे बछड़े थे
वैसी बछड़े, जितने बछड़े थे उतने बछड़े भगवान ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए, और जैसे शाम को वापस जाते हैं ऐसे ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते वापस चले गए। गुरु महाराज जी कहते एक भी गाय को यह नहीं पता लगा कि उसका बछड़ा या बछड़ी बदल गया है, एक भी ब्रजवासी को यह नहीं पता लगा कि उनका जो पुत्र है वो बदल गया है। यहां पर गुरु महाराज जी ने एक श्लोक बोला बहुत अच्छा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम या समर्थ सैवेश्वर, भगवान कर्तुम माने जो सब कर सकते हैं वैसा भगवान कर सकते हैं, अकर्तुम जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है भगवान वो भी कर सकते हैं, अन्यथा कर्तुम जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है, गुरु जी का शब्द है वो उल्टा को उल्टा सकते हैं, उल्टे को फिर उल्टा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और भगवान ऐसा किया। हूबहू वही ग्वाल बाल वही बछड़े जैसा रोज सब चलता वैसे ही चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं लगा, सिर्फ गुरु महाराज जी कहते एक चेंजेस आई थी, बस एक चेंज हुआ था उसमें, क्या जो जितने ब्रजवासी हैं उन सबके व्यवहार में चेंजेस आ गई थी, मतलब वो उनको अपने बच्चों को स्पर्श कर रहे थे, अपने बच्चों को गोद में, तो उनको ऐसा लगता था जैसे कृष्ण को गोदी में लिया हुआ, गायें उनके बछड़े जब दूध पीते थे उनको लगता था जैसे श्री कृष्ण उनका दुग्धपान कर रहे हो। गुरु महाराज जी ने सारे रहस्य बताया। अच्छा एक और बात है, आप भागवत पढ़ के इसको रहस्य को नहीं बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो गुरु महाराज जी बताया कि वो जो ब्रजवासियों की लंबे समय से इच्छा थी ना कि कितना अच्छा हो कि श्री कृष्ण हमारे घर में हमारे बालक रूप से रहें, जैसे नंद महाराज यशोदा श्री कृष्ण को नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं, हम भी ऐसा करें। उन सौरे ब्रजवासियों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने ये लीला करी कि जो ओरिजिनल जो सखा हैं उनको तो ब्रह्मा जी के द्वारा सुमेरु पर्वत की गुफा में भिजवा दिया और सब ब्रजवासियों के घर में उनके पुत्र रूप से चले गए। गुरु महाराज जी से सुना ना आपने कि गायों की इच्छा थी कि हमारा जो दूध होता है उससे जो दही बनता होगा, मक्खन बनता होगा या मिठाई बनती होगी, पता नहीं कौन सा अंश भगवान कृष्ण को जाता है, कितना अच्छा हो कि भगवान कृष्ण बछड़ा बन के या बछड़ी बन के हमारा दूध पिए। उन सब गायों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने ये ब्रह्मा जी से लीला करवाई। सारे ब्रजवासियों की इच्छा, सारे गायों की इच्छा भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कर दी। एक साल का बाद जब आया तो ब्रह्मा जी देखते कृष्ण वही बछड़ा उनके गाय बछड़ा को लेकर बाल बाल लेके घूम रहा है, ये बहुत चालाक है, मैं इसमें बाहर में रखा कैसे मालूम, तो बहुत करोड़ माइल दूर है, तो वहां से वहां पर गया, कहते देखा वहां पर भी बाल बाल है, क्या है गलती, देखा वृंदावन में आके देखा चार सीन है, आके देखा वही है, ध्यान भी देखता है उधर भी देखता है, एक ही बछड़ा एक ही ग्वाल शुभ पर आए घूम रहा है, तब माई माई मेरी माया से दुनिया नहीं था, माँ जिनके माया से नहीं था, मेरा ईश्वर है, शरणागत हो गया, जब शरणागत हो गया मुझे माफ कीजिए, आपका भक्त जब खाने को लगा तब माया चूरी करके, इसे आप माए बहुत अपराध किया, अब माफ कृष्ण साथ साथ में उनको कृपा, वो जो शरणागत हुआ कि नहीं भाई दी प्रूटी को अंडरस्टैंड, जो हम शरणागत हुआ कि नहीं, वो जो शरणागत हुआ ब्रह्मा जी उनका भगवान उनको स्वरूप दिखा दिया। तो हम सुन रहे थे कि सारे ब्रजवासियों के वो जो इच्छा कि कृष्ण हमारे बच्चे के रूप में हमारे घर में रहें, वो जो सारी गायों की इच्छा कि बछड़े के रूप में वो हमारा दूध पिएं, एक साल तक भगवान ने सबको इस सेवा का मौका दिया, यानी कि एक साल तक ये लीला चलती रही। अच्छा ब्रह्मा जी के मन में आया, सुना ना आपने गुरु से, ब्रह्मा जी के मन में अच्छा मैं देख के आऊं उस ग्वाले के क्या हाल है, कृष्ण के क्या हाल है, अब क्या कर रहा है, बछड़े बछड़े तो मैं ले आया, सखा भी उसके लिए, अब क्या कर रहा है वो। एक साल बाद जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने देखा जैसे श्री कृष्ण सखाओं के साथ जैसे खेलते ऐसे खेल रहे,
वो बछड़े इधर उधर कुछ चर रहे हैं, कुछ कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। सुना ना गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी सोचते कितना चलाक है लड़का, मैं सुमेरु पर्वत की गुफा में रख के आया था सब ग्वाल वालों को और बछड़ों को, ये वहां से उठा के ले आए, कैसे लाया होगा। लेकिन सोचने लगे तो वहां पे जाके देखने लगा। तो वहां पे जब ब्रह्मा जी गए तो देखा वहां पे वो सखा लोग तो मूर्छित से एक तरह से सोए हुए ऐसे लग रहा है, और सारे बछड़े भी वहां पर सोए हुए। फिर इधर ब्रज में आके देखा यहाँ पे वही सखा लोग खेल रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं, कूद रहे हैं। फिर दोबारा वहां जाके देखा वो सो रहे हैं, फिर यहाँ के देखा कूद रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी कहे ये क्या जादू है। फिर ब्रह्मा जी कहते, गुरु महाराज जी कहते चार मुंह हैं, उधर भी देख रहे इधर भी देख रहे, वही सखा यहाँ पर खेल रहे हैं, वही सखा वहाँ पर सो रहे हैं, वही बछड़े यहाँ पर कूद रहे हैं, वही बछड़े वहाँ। ता ब्रह्मा जी के मन में आया वो जो श्लोक सुनाया गुरु महाराज भागवत का कि ब्रह्मा जी कहते हैं सारी दुनिया मेरी माया से मोहित है, जिनकी माया से मैं मोहित हुआ हूँ ये अवश्य मेरे प्रभु हैं। तह दिल से अपने आप को शरणागत किया ब्रह्मा जी ने, माफी मांगी। बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार लेटते हैं, बार बार उठते, प्रभु मेरे को क्षमा करें। जब शरणागत हुए तो गुरु महाराज जी ने कहा भगवान ने अपना सारा तत्व उनके आगे प्रकाशित किया। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवत तत्व पता नहीं लगेगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा ब्रह्मा जी जब भगवान के शरणागत हुए तब भगवान ने अपना स्वरूप उनके हृदय में प्रकाशित किया, उनके सामने प्रकाशित किया, तब उनको पता लगा ये श्री कृष्ण कौन है, ये तो तमाम कारणों के कारण है। जब तक ये जीव भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हुआ तब तक इसको आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति, भगवत अनुभूति नहीं होगी। यमेव ऐसे वृणते, जब ये अपने आप को भगवान के चरणों में शरणागत करेगा, भगवान इसकी शरणागति को एक्सेप्ट करेंगे, तभी कोई जीव भगवान को समझ सकता है, भगवान को जान सकता है, भगवत अनुभूति प्राप्त कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। आज के इस अनुकीर्तन में गुरु महाराज जी ने ये जो रहस्यमय बात, भगवत गीता की बात, श्रीमद् भागवत की बात जो बताई है, अगर हम इसको अपने हृदय में धारण करें और सद्गुरु के चरणों में, शुद्ध भक्त के चरणों में, भगवान के चरणों में शरणागत होकर हम हरे कृष्ण महामंत्र की साधना करें, एकादशी व्रत इत्यादि साधना करें, तो जैसे और भक्तों को भगवत अनुभूति हुई, ब्रह्मा जी को भगवत अनुभूति हुई, हमको भी होगी। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय।